का भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी बेमानिया हो, थोड़ी नादानिया हो, वो शरारत थोड़ी जरा। क्या चल रहा है ब्रो? बिस्किट? मैं नहीं खाती बिस्किट। ले लो ब्रो, बहुत अच्छे बिस्किट है। तो कितना बिस्किट खाती है? मत खा, एक दिन उड़ जाएगी। अरे कुछ नहीं होता ब्रो, ये जीना भी कोई जीना है बिस्किट के बिना। ये मजाक की बात नहीं है, रोजाना बिस्किट खाना हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। पर वो कैसे? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। चाय के साथ बिस्किट खाना एक बेहद आम आदत है। कई लोग तो दिन की शुरुआत ही चाय और बिस्किट के साथ करते हैं, लेकिन यह आदत अच्छी नहीं है। बिस्किट में ऐसे कई तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बिस्किट में ट्रांस फैट, ग्लूटेन, शुगर और मैदा होता है, जिन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता। इनके ज्यादा सेवन से शरीर में कैलोरीज बढ़ने के साथ साथ ब्लड शुगर और कब्ज की समस्या भी हो सकती है। साथ ही ये प्रोसेस्ड होते हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मल्टीग्रेन बिस्किट खाने से नुकसान नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के बिस्किट को ज्यादा खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है, मोटापा का कारण बन सकता है। इस तरह बिस्किट शरीर के लिए कई प्रकार से नुकसानदेह हो सकता है। आइए जानते हैं बिस्किट खाने के कुछ दुष्परिणामों के बारे में। बिस्किट में प्रोसेस्ड फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। साथ ही हाई बीपी के मरीजों में ये ब्लड प्रेशर को भी हाई कर सकता है। इस तरह ये दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। कोई भी कंपनी चाहे कितना भी दावा क्यों ना कर ले, लेकिन सच तो ये है कि बिस्किट में शुगर होता है, जो डायबिटीज को असंतुलित कर सकता है। ये शुगर स्पाइक को बढ़ा सकता है और शुगर मेटाबॉलिज्म को और स्लो करता है। इस तरह से यह डायबिटीज पेशेंट के लिए अंत में नुकसानदेह ही साबित होता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा बिस्किट नहीं खाना चाहिए। लगातार बिस्किट खाने से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। साथ ही ये मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकता है, बॉयल मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है और एसिडिटी में गैस का कारण बन सकता है। इसके अलावा रेगुलर इसे खाने से ये आपके नेचुरल खाने की भूख को मार देता है और शरीर में दूसरी न्यूट्रिएंट्स की कमी का कारण बनता है। बिस्किट खाने से आपका मोटापा तेजी से बढ़ सकता है। दरअसल पहले तो इसमें कैलोरी मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही ये काफी अनहेल्दी होते हैं। इन्हें खाने से आपको नेचुरल भूख और प्यास नहीं लगेगी और मन करेगा कि बार बार खाए ही जाएं। साथ ही इसका ट्रांस फैट, मैदा और शुगर आपका वजन बढ़ा देगी। बिस्किट खाने से आपको क्रेविंग हो सकती है और हार्मोन हेल्थ असंतुलित हो सकता है। इस तरह की क्रेविंग से शरीर की अन्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं और शरीर का पीएच लेवल भी बिगड़ सकता है। अगर आप बिस्किट को लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं और दांतों में कैविटी पनप सकती है और इसके अलावा भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए बिस्किट का सेवन कम से कम ही करना चाहिए। अब समझ में आया कि ज्यादा बिस्किट खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ ब्रो, मैं समझ गई। अब से मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अपनी हेल्थ खराब नहीं करूंगी। थैंक्स। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।